पॉजिटिव चेंज हम सब चाहते हैं पॉजिटिव चेंज लाना कौन कौन चाहता है नेगेटिव होना कौन चाहता है और ये पॉजिटिव चेंज क्या है पॉजिटिव चेंज यही है कि एक अस्वस्थ स्थिति से स्वस्थ स्थिति में आना नेगेटिव सिचुएशन से पॉजिटिव सिचुएशन में आना दुख की स्थिति से सुख की स्थिति में आना नाखुश स्थिति से खुशी की स्थिति में आना इसको कहते हैं पॉजिटिव चेंज हम जानते हैं दुनिया दुखी है परेशान है कष्ट लड़ाई हिंसा उपद्रव से भरा हुआ है नेगेटिविटी से भरा हुआ है अब हमें पॉजिटिव चेंज लाना है यानी सुख शांति समृद्धि आनंद की आनंद की माहौल निर्मित करना है स्थापित करना है और जिसके लिए परमपिता परमात्मा को आना पड़ता है कलि के अंत में जो अभी समय चल रहा है अति धर्मग्लानी के समय और इसलिए लिए आना पड़ता है उस आत्मधर्म की स्थापना करने के लिए आत्मधर्म क्या है जो हमारा पॉजिटिव क्वालिटीज है जिससे हमारे पॉजिटिव माइंडसेट बनता है पॉजिटिव सोच बनता है वृत्ति दृष्टि कृति जो है हमारा पॉजिटिव बनता है इस आत्मधर्म के आधार पर जिसको हम गीता में कहते हैं स्वधर्म स्वधर्म में स्थित होना अब अब हम परधर्म में स्थित है इसलिए दुखी है परेशान है तो परमात्मा के हमें स्वधर्म में स्थापन करते हैं और सौधर्म का ज्ञान देते हैं तो इसलिए आंतरिक सशक्तिकरण के लिए हमें पॉजिटिव रहना पड़ेगा अगर पॉजिटिव चेंज लाना पड़े लाना है तो हमें पॉजिटिव रहने की जरूरत है पॉजिटिव स्थिति की जरूरत है तो नेगेटिव परिस्थिति के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं तो ये पॉजिटिविटी जो है कोई बाहर नहीं रखा हुआ है कोई साधन संसाधन में नहीं रखा हुआ है कोई बाहर जगत में पड़ा नहीं है लेकिन अंतर मन में विराजित है निहित है इनेट है तो इसको जानना और उसको जागृत करना इसी को कहते हैं इनर एम्पावरमेंट आज की दुनिया में अगर सबसे बड़ी सेवा है अगर इंसान खुश रह सकता है खुश अगर रह सकता है तो खुशी में रह के काम करने से एक तो अच्छी तरह से काम कर सकता है खुशी खुशी से जो तो काम होता है वो सहज होता है और जल्दी भी कर सकता है और दूसरा है खुशी में रहने से जो उसका जो वाइब्रेशन वातावरण में फैलता है खुशी की जो दृष्टि वृत्ति है उससे जो वाइब्रेशन फैलता है दूसरों को भी प्रभावित करता है यानी पॉजिटिव स्थिति से हम दूसरों की स्थिति को पॉजिटिव बना सकते हैं दुखी आत्माओं को भी सुखी बना सकते हैं तो इसी को कहते हैं इनर एम्पावरमेंट यानी खुश रहना खुशी को कल, कल्टिवेट करना हैप्पीनेस को कल्टिवेट करना जब हैप्पी हम होते हैं हैप्पीनेस को कल्टीवेट करते हैं तो हम हेल्दी होते हैं ये नहीं कि हम शारीरिक रूप में हेल्दी है तो हैप्पी होंगे जरूरी नहीं है जब हम लेकिन जब हम हैप्पी होते हैं मानसिक रीति में तो शारीरिक जो हमारे स्वास्थ्य है वो प्रभावित होता है पॉजिटिवली तो इसलिए हम अपने जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ है खुशी है शांति है आनंद है जो सात गुण परमात्मा ने मूल हमारे शक्ति है उसको शक्ति कहते हैं उसको गुण कहते हैं उसको जो है मूल्य कहते हैं तो जिन उन मूल्यों को जितना इतना हम चिंतन करते हैं वो गुण में परिवर्तन होते हैं और उन गुणों को जब कार्य में प्रयोग करते हैं वो क्या होते हैं शक्ति में कन्वर्ट हो जाते हैं ये लॉ साइंटिफिक लॉ ऑफ नेचर है तो मनन चिंतन करते हैं जिससे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण जब शांति की हम मनन चिंतन करते हैं शांति से मनन चिंतन करते हैं और खुशी खुशी से कर्म करते हैं तो वो मानन चिंतन की प्रक्रिया वो हमारा गुण और स्वभाव बन जाता है एक संस्कार बन जाता है और उसको जब विपरीत परिस्थिति में उसको प्रयोग करते हैं वो हमारे क्या बन जाता है शक्ति बन जाता है जो एक हमारा नेचुरल नेचर बन जाता है एक स्वाभाविक स्वभाव बन जाता है वो हमारा संस्कार के रूप में हमारे उम्र पूरे जीवन हमको साथ देता है चुनौतियों के सामने संकटों के समय और जो भी इस प्रॉब्लम से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जब खुशी आ, संतुष्ट मन होता है आनंदित मन होता है खुश मन होता है तो बहुत जल्दी उस प्रॉब्लम्स का भी समस्याओं का समाधान कर कर सकता है इस आध्यात्मिक सशक्तिकरण के लिए इनर एम्पावरमेंट के लिए पॉजिटिविटी का समावेश के लिए हमें क्या करना चाहिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में चार बातों की बात कही जाती है सब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं चार सब्जेक्ट यानी ज्ञान रूहानी ज्ञान से रूहानियत के ज्ञान से हमारे जो बेहद की भावना होगा जो भेदभाव से परे रहेगा मानसिकता समझ हमारा समझ जो है समझने की शक्ति है वो बढ़ जाएगा उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट है योग मेडिटेशन मेडिटेशन का मतलब है कि हमारा क्लियर क्लीन और माइंडसेट होगा मेडिटेशन से हमारा माइंडसेट जो है माइंड जो है क्लीन और क्लियर होगा तीसरी बात है कि जब हम धारणा धारणा माना हम जो है हल्का रहेंगे जिसको हम कहते हैं दो प्रकार की हल्का आत्मा हल्का है और आत्मा लाइट है आत्मा हल्का है ज्योति रूप है लाइट है और हल्का भी है तो डबल लाइट हम रह सकते हैं जब हम धारणा करेंगे जो ज्ञान हमने परमात्मा से लिया रूहानी ज्ञान उसका जो आत्मसात करेंगे धारणा करेंगे तो हम डबल लाइट रहेंगे और कार्यक्षमता हमारा बढ़ जाएगा खुशी रहेगी और सेवा मतलब सेवा मतलब निर्माण और निमित्त भाव ये अगर हम सेवा एक निस्वार्थ सेवा करना चाहते हैं मीडिया का जैसे ध्येय है सेवा करना सेवा प्रदान करना तो हम निमित भाव जब तक नहीं आएगा निर्माण भाव जब नहीं आएगा हम सेवा कर ही नहीं सकता ईगो वाला ईगो वाला माइंडसेट वाला पर्सन कभी सेवा कर ही नहीं सकता सेवा लेगा सेवा दे नहीं पाएगा तो इसलिए ये चार आयामों को हम अगर जीवन में आत्मसात करना चाहें तो हम परम पिता परमात्मा के साथ जुड़े रहना चाहें जिसको हम राजयोग कहते हैं ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सिखाया जाता है thank you